हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा तो हमारे विभा माता जी जितुआ पूजा का संधारती कुछ कर रहे हैं, शायद पूजा पाठ कर रहे माता जी। चलिए बाद में महत्ता बताएंगे क्या कर रहे थे। तो अभी हम लोग जो 2 श्लोक को पाठ किए, इस संबंध में अगर कुछ प्रश्न हो, प्रश्न उत्तर, तो थोड़ा सा हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं, कुछ जिज्ञासा, कुछ फीडबैक, एनीथिंग, बहुत कुछ बात हो सकता है। क्योंकि अभी हमारे पास 20 मिनट टाइम है, इसमें एक नया श्लोक उतना अच्छी तरह स्टडी नहीं होता, इसलिए हम लोग थोड़ा सा प्रश्न उत्तर जान लें। तो नंदकिशोरी माता जी, हम लोग 2 श्लोक को पाठ किए, इसमें आप क्या चीज समझे और क्या चीज नहीं समझ पाए, अगर कुछ प्रश्न है। प्रभु जी, ये जो भक्ति का जो जो बताएं आपने, बेस मतलब भक्ति का, जैसे कि घर बनाया जाता है और इसके नीचे में ये अरे पिलर दे करके उसको आपका आवाज आ रहा है माता बेसमेंट जी, आपका बनाया जाता है। बच्चे का बहुत आवाज आ रहा है, आप थोड़ा सा साइड में होके बात कीजिए। एक मिनट, तो सभी अपना अपना क्या क्या प्रश्न सेट करके रखिए, जी प्रभु जैसे जी, मैं। सब वही बेसमेंट जो बनता है भक्ति के लिए, वे भक्ति हम लोगों को, भक्ति मतलब बेस्ट है। और एक और क्या बोले इसके ऊपर में, माचा भक्ति के विषय में आप बोले प्रभु जी, कि भक्ति जो है सो हम लोगों का बेसमेंट है, जैसे घर बनता है और ये कुछ दिन, हाँ मचान मचान, तो मचान तो बनता है तो वे बरसात में गिर जाता है, जो मिट्टी सॉफ्ट हो जाता है वे पलट जाता है, लेकिन जब हम घर का नींव देते हैं तो वे बेस्ट होता है, मजबूती होता है। तो वे अगर पैसा खत्म भी हो जाता है तो उसको हम 1 साल बाद, 6 महीना बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, जब जब जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे हम उसको बनाते हैं। और कुछ है प्रभु जी, और एक भरत भरत जी के विषय में बोले कि जड़ भरत के विषय में, बस ये थोड़ा स्मरण किए प्रभु जी। बहुत सुंदर। तो हाँ, चलिए, हमारे नंदकिशोरी माता जी फिलोसॉफी को समझ गए कि भक्ति जो है ना, ये पैसा खत्म भी हो जाए तो अगले साल में जैसे पैसा आ जाएगा तो वहां से काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग अभी कहीं पर ट्रेन में हैं, इतना भीड़ है ट्रेन में, बस में, आपका 100 माला कंप्लीट नहीं हुआ तो अगले दिन में आप शुरू कर सकते हैं, अगले दिन में जब कर सकते हैं। भक्ति में ये सब पतित होने का कोई प्रश्न नहीं, ये है एग्जाम्पल। हाँ, अभी हमारे प्राण मोहन प्रभु जी का क्या प्रश्न है। खाना खाने के बाद भी जाप कर सकते हैं प्रभु जी? आप सो सो के भी जप कर सकते हैं, खाना तो साधारण बात है। नहीं, हम स्नान उस्नान करके पहले जाप कर लेते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं। हाँ, आप दिन रात जप कर सकते हैं। अभी इस उम्र में खाना खाए, पेट भर के, पूरा पेट भर के खाना है, विश्वनाथ प्रभु जी का चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है, जी सिर्फ कान दिख रहा है। प्रभु जी निराकार तो नहीं हो रहे हम सब से दूर। सिर्फ कान दिखाई दे रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ माता जी, हरे कृष्णा, हाँ हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।
बोलिए माता जी। हम लोग लाइट कल से लाइट नहीं है प्रभु जी, इसलिए पूरा अंधेरा अंधेरा है। ओ अच्छा वो अच्छा ट्रांसफार्मर खराब है और बारिश इतनी हो रही है कि वो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए पूरा घर अंधेरा है। इन्वर्टर भी अच्छा आज शाम तक जवाब दे दिया, तो मोमबत्ती जलाना पड़ेगा तो। इसलिए लाइट नहीं आ रहा। जी जी वही, हाँ, अभी तो तो कुछ बारिश प्रश्न भी है आप? इतनी हो रही है, हम तो बाहर बैठ करके क्लास कर रहे थे एकदम। अच्छा 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 तो आपका कुछ प्रश्न है क्या? प्रश्न ये तो लाइट आ गए। तो बहुत होता है, तो जीवन ही पूरा प्रश्न है। नंद किशोरी माता जी के घर में लाइट आ नहीं गया? लाइट कहाँ आई, उधर होगा उनका एरिया दूसरा है ना। ओ अच्छा अच्छा नहीं प्रभु जी, मतलब मेरे उनका यहाँ माता जी लाइट के एरिया नहीं दूसरे। है, काल से लाइट नहीं है, ये इन्वर्टर। अच्छा हाँ माता जी बोलिए, क्या जिज्ञासा है? नहीं प्रभु जी, जैसे हम लोग पहले भी कहीं सुने थे, जैसे भक्ति हम लोग इस जन्म में जैसे अधूरा भक्ति भी रहती है, ऐसा सुने थे कहीं कथा में, तो अगले जन्म में फिर वहीं से शुरू होती है, ऐसा क्या हाँ सच है? तो जैसे वही हम तो, लोग मैं सोचते हैं बेसमेंट कि का हम मतलब मिट्टी उदाहरण का, क्या दिया, बेसमेंट का उदाहरण क्या दिया? आप पिलर जी उठाए मिट्टी के वही, नीचे से, उसके बाद आपका पैसा खत्म हो गया, अभी अकाउंट में नहीं है, तो जी जी वो आपके अगले बार से क्या करेंगे? नहीं है तो मतलब फिर जब से शुरू कर सकते हैं। अगले साल में जब पैसा आएगा तो बोलेंगे नहीं, ये पूरा जमीन में जितना कुछ नीचे जो पिलर है ना, इसको उठा के पहले डोजर से फेंको, फिर नया शुरू करेंगे क्या? ऐसा आप करते हैं? नहीं करते ना, जहां तक हुआ है वहां से आप ईंट गांथना शुरू कर दे रहे हैं, जी जी तो उसी प्रकार भक्ति है। हाँ हाँ वही जो भक्ति है। एग्जाम्पल में जो जड़ भरत जी महाराज, तो पूर्व जन्म में जानबूझ के जड़ भरत जी बन गए थे ना, मृत जोनी में आए, तो वही वाला चीज बहुत अच्छा है, बढ़िया तो है। आप प्रभुपाद बोले हैं इस भौतिक विषय जगत में में, हम जितना भी अच्छे अच्छे माप, हाँ जितना भी अच्छे काम किया जाए, जैसा कि जी, बताइए। लेकिन भक्ति में हम अच्छे नहीं है ना, तो भक्ति अच्छे माँ बने, जितने अच्छे पत्नी बने, जितने अच्छे भी बने, लेकिन अध्यात्म में यदि हम अच्छे नहीं बने, भौतिक जगत में कितना भी अच्छे काम कर ले, यदि अध्यात्म में पिछड़े हैं तो मेरा जीवन पिछड़ा ही रह जाएगा, फिर उसका कोई महत्व नहीं रहेगा मानव जीवन मिलने का। हमारे राकेश प्रभु, रांची प्रभु जी आपको कष्ट तो नहीं देते ना, बार बार वीडियो ऑन करने के लिए मजबूर करते हैं? ये हमारे नंद किशोरी माता जी क्या पी रहे हैं? देखिए तो माता जी, क्या चाय पी रहे क्या? गरम पानी में नींबू डाल के पी रहे हैं प्रभु जी, अच्छा गरम पानी में चाय नहीं अच्छा पीते हैं प्रभु जी। हम ठीक सोचे कि हाँ तो ठीक है, बहुत सुंदर हमारे विभा माता जी एक्सप्लेन करके समझा दिए कि भक्ति में सेवा ऐसा चीज है, किसी किसी भी स्थिति में हम लोग पतित नहीं होंगे, बल्कि उसी जगह से, मान लीजिए 70% किए हैं, 71 से शुरू होगा, 71 से। अगर मान लीजिए कि 60% किए हैं तो 61 से शुरू होगा, तो भक्तिमय जीवन ऐसा है। तो विश्वनाथ प्रभु जी कुछ बोलना चाहेंगे प्रभु? न्याय प्रभु ठीक है, जो बोले वो तो देखा समझ गया, अभी आगे अभी आज कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, और हमारे राकेश कुमार प्रभु हाँ रांची। प्रभु जी, हाँ बोलिए प्रभु। आप पूछ रहे हैं प्रभु जी, जो भक्ति मैं नहीं जुड़ रहा है
हम जोड़ना चाहते हैं तो किस तरह उसको मतलब भक्ति से जोड़ने के लिए उसको किस तरह क्या करना पड़ेगा? तो आप तो भक्ति में जुड़े हुए हैं तो आपके लिए प्रश्न तो आना ही नहीं चाहिए। हमारे लिए नहीं प्रभु जी, भक्ति मतलब हमारे एक बहनोई है, बहन एक्सपायर कर गई है, उनको चाहते हैं कि आप भी भक्ति से जुड़े रहिए, भक्ति कीजिए, भक्ति लाइन में आइए। तो बोलते हैं कि हम तो सब कुछ सुनते ही हैं ये वो, लेकिन जो रियल में होना चाहिए वो नहीं करते। बोलते हैं कि तब तो सुनते हैं महाभारत रामायण ये वो, ठीक है। तो आप एक चीज समझिए, भक्ति से जुड़े आप एक चीज समझिए उनके विषय में कि ही जीवन में वो मान लीजिए कि 23% में है, तो हो सकता है मतलब जीवन के अंत तक 30% तक आएगा, तो अगले जीवन में आके हो सकता है उसका परफेक्शन मिलेगा। क्योंकि आपकी बात भी नहीं मान रहे तो क्या किया जाए, साधु संघ भी नहीं करना चाह रहे, हरि नाम भी नहीं जपना चाह रहे, भागवतम क्लास भी नहीं ज्वाइन करना चाह रहे, इसका मतलब जितना कुछ कर रहे हैं किए है उसी के अनुपात में रहेगा अगले जीवन में, जहां तक छोड़े हैं वहां से शुरू करेगा, इस जीवन में संभव नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इसी जीवन में सीरियस है वो इसी जीवन में परफेक्शन प्राप्त करेगा। लेकिन वो बाधा नहीं करते हैं हम लोगों को, किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं करते हैं, कहते हैं भक्ति कीजिए आप, लेकिन उनको भी लाना चाहते हैं भक्ति में, तो वो बोलते हैं हम तो करिए रहे हैं अपना, लेकिन जो करना चाहिए वो हमारे अनुसार, लेकिन वो अपने ऐसी में कहते हैं कि हम कर रहे हैं। हो जाएगा प्रभु जी। देखिए विभा माता जी आपको और नंदकिशोरी माता जी को कृष्ण भक्त बनाने के लिए आज से नहीं अनेक दिन से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका प्रयास सार्थक हुआ। उसी प्रकार आप भी जिसको भक्त बनाने के लिए जो उत्सुक है ना, आप भी एक दिन वो परफेक्शन उनको भक्त बनाएंगे, लेकिन तुरंत एक दिन में होने वाला नहीं है। देखिए नंदकिशोरी माता जी वृद्धावस्था में आए तब जुड़े, जबकि विभा माता जी उनको आज से नहीं बहुत दिन से बोल रहे हैं, तो अभी आके मिले, अभी आके गौरनिताए, लड्डू गोपाल की सेवा, सोलोमाला का जाप, भागवतम क्लास, अभी भक्ति में जुड़ गए। इससे पहले तो नहीं करते थे, लेकिन विभा माता जी रोज उनको बोलते थे। तो उसी प्रकार आप रोज बोलते जाइए, एक ना एक दिन उनका मति जो है ना भागवतम की ओर आएगा। ठीक है, ठीक है प्रभु, ये धैर्य सहकार से अपना भक्ति साधन चलाते रहिए और आपके प्रभाव से वो भी भक्त बने। प्रभु जी तो एक और हम क्वेश्चन पूछते हैं, घर का जो आदमी है। एक सेकंड माता जी, आप तो बच्चे का बहुत आवाज आ रहा है, आप थोड़ा सा बाहर निकल जाइए ना, बहुत आवाज आ रहा है, 3-4 बच्चे का एकदम जैसे बंदर खेल चल रहा है ऊपर। आप वहां से उठ जाइए ना, वहां पर क्यों बैठे हुए अंधेरे में, सभी भक्तों का डिस्टर्बेंस होता है, कोई कोई हेडफोन लगा के रखे है। बाहर आइए, बाहर आके बात, इतना बड़ा घर बनाए जीवन की कमाई में, एक ताला दो ताला, तो दो ताला में अगर बच्चा है तो एक ताला में आइए, एक ताला में अगर बच्चा है तो दो ताला में जाइए, है ना। कह रहे थे प्रभु जी घर के आदमी के भक्ति में लाने के लिए क्या किया जाएगा, आप उसे नहीं कर पाएंगे, आप उसे नहीं कर पाएंगे, हमारे हवाले कर दीजिए या इस्कॉन सेंटर में जाके प्रभु जी से कांटेक्ट कराइए। प्रहलाद महाराज तो हिरण्यकशिपु को भक्त बनाने के लिए पहले से ही पीछे पड़े थे, तो क्या हिरण्यकशिपु भक्त बना? मंजोदरी तो रावण को भक्त बनाने के लिए, मंजोदरी तो रावण को भक्त बनाने के लिए सारा जीवन भर प्रयास किया, क्या रावण भक्त बना? हाँ। तो इस प्रकार हम लोग चाह सकते हैं किसी के प्रति, लेकिन नहीं
बाप के ही पाल में नहीं बैठती है तो कैसे भक्ति भक्ति कैसे होगी। लेकिन एक चीज माता जी, नंद किशोर माता जी, आप जो है ना मेरी बात को पूर्णतया मानते नहीं। मैं आपको मना कर रहा हूँ कि वहाँ पे बच्चे का आवाज बहुत ज्यादा जोर से आ रहा है, आप थोड़ा दूर जाइए, लेकिन फिर भी आप समझते नहीं प्रभु जी। अच्छा ठीक है प्रभु जी, अब रहने दीजिए। अब क्या कहे, इधर हवा आ रहा है, बाहर तो निकले हैं, हवा आ रहा है तो नहीं। आप एक सेकंड, हवा से कुछ एक सेकंड मेरा प्रश्न का जवाब दीजिए। आपका कितना ताला बिल गया? फर्स्ट फ्लोर है प्रभु जी। नहीं, कितना, दो ताला है या एक ताला बिल्डिंग है? एक ही ताला है, मतलब नीचे बेसमेंट है, ऊपर में है, फर्स्ट फ्लोर में हम लोग हैं। और नीचे में नहीं रहते? अच्छा, पहले विवाह माता जी मुझे बोले थे कि माता जी नीचे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बना हुआ है प्रभु जी, केवल वही बना हुआ है। ठीक है ठीक है, तो थोड़ा उन लोगों से चुप रहने के लिए बोलना है जब आप क्लास करेंगे, नहीं तो ऊपर छत के ऊपर चले जाओ। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है माता जी। और किसी भक्त का कुछ प्रश्न है? राकेश कुमार प्रभु रांची। प्रभु जी बारिश हो रही है, कैसे हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, और किसी माता जी भक्त प्रभु जी किसी का कुछ क्वेश्चन है? राकेश कुमार प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सहित। वही प्रभु जी क्वेश्चन वही सुन रहे हैं कि जिस तरीके से हमारा जो है भक्ति जो का जो बैंक, जो हम लोग जिस तरह से बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो जो स्टॉक रहता है उसी अनुसार हम खर्च कर सकते हैं। तो भक्ति जितना करेंगे उतना ही पूर्व जन्म के लिए हम अपना भक्ति का भी माइनस नहीं होता है। भक्ति कोई हमारे इस तरह का बैंक बैलेंस नहीं, सेविंग बैंक नहीं है कि मतलब वो जितना खर्च करेंगे उतना कमेगा। भक्ति जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। बढ़ते जाएगा, मतलब जितना बढ़ते जाएगा उतने पूर्व जन्म आने वाले समय के लिए बेहतर होते जाएगा। बहुत सुंदर। तो चलिए, 6 बज गया, और किसी का अगर कुछ प्रश्न नहीं है तो हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। और कल से सभी भक्तगण याद रखना, हमारे लक्ष्मी देवी कल से 9 दिन का सेमिनार 1 बजे से 3 बजे तक मायापुर टीवी लाइव में और मायापुर टीवी फेसबुक चैनल में लाइव होगा। और हमारा क्लास जो होगा 5 बजे से लेकर 6 बजे जूम क्लास, ठीक है सभी भक्तगण। चलिए, वंचा कर पुत्र करके आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। वंचा कल्पतरु भवस्य कृपा सिंधु भव च पतितान पावन भो वशिष्ठ। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। नित्य जय हरि बोल।